हाउ टू बी मोर लाइकेबल। बहुत सारे लोग बहुत ही क्रूशियल मिस्टेक्स करते हैं, उसके कारण लोग उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, उनसे नेटवर्क नहीं करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको लेस लाइकेबल बनाती हैं, और ऐसी 5 चीजें जो करके आप मोर लाइकेबल बन सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Your network is your net worth. आपने शायद ये कोट सुना होगा, और which is true also. You may not know everyone, but अगर आप presentable हो, अगर आप likeable हो, तो आप बहुत ही जल्दी अपना network बना सकते हो, ताकि आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप कोचिंग में हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, यू हैव टू बी लाइकेबल, यू हैव टू हैव नेटवर्किंग स्किल्स। वो कौन सी ऐसी 3 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं अनजाने में कई बार, और कई बार जानबूझ के, विच मेक्स यू लेस लाइकेबल? टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, एंड दैट इज व्हेन वी आर ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल। हाउ डू यू डू दैट? अगर किसी ने बताया, यू नो व्हाट, मेरे 90% आए थे, देन यू से, यू नो व्हाट, मेरे तो 95% आए थे, और यू से, आई हैव गॉट दिस कार, एंड देन यू स्टार्ट शोइंग ऑफ। जब कोई कुछ बता रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस by showing more clever, by showing more wealth, by showing more health, that actually pisses people off. कोई आपसे बात कर रहा है, कुछ बता रहा है, you don't have to always show off. You don't have to impress them. Because people don't want that. People want somebody जो कि उनकी बात सुनता है, समझता है. So जो पहली mistake बहुत सारे लोग करते हैं, very common, is they're trying to impress others by all the means, and that is not required. मिस्टेक नंबर 2, आपने भी देखा होगा बहुत बार लोग जब बात कर रहे होते हैं तो लोग डिबेट मोड में आ जाते हैं। नाउ डिबेट का एक अपना जगह होता है, एक अपना टाइम होता है, बट यू डोंट हैव टू डिबेट एवरीवेयर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू पुट लॉट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग, यू बिकम लेस लाइकेबल। बिलीव मी ऑर नॉट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे पीपल स्टे अवे, बिकॉज दिल से, ओ वो तो बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, वो तो हर चीज़ को तोड़ता रहता है, एंड आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू दैट पर्सन। सो अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर नेटवर्किंग। एंड मिस्टेक नंबर 3, दैट इज समटाइम अ मिस्टेक विच वी ऑल डू, बट वी हैव टू अवॉइड, एंड दैट इज कंप्लेनिंग। कई बार ऐसा होता है कि आप कॉमन कंप्लेन करते हैं, तो यू बिकम शॉर्ट टर्म फ्रेंड, बट लॉन्ग टर्म में कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है। तो वॉच आउट, अगर वंस इन अ वाइल वाइनिंग इज फाइन, बट इफ़ यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, देर इज़ अ रीज़न दैट पीपल आर नॉट गेटिंग क्लोजर टू यू। आई नो, मेरी एक फ्रेंड थी जो हमेशा कंप्लेन करती रहती थी, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं देते, वो नहीं करते, एंड स्लोली and steadily all her friends started making a distance with her. You don't want that to happen to you, do you? So the 3 mistakes that you must avoid jab aap more likeable, more social banna chahte hain: number 1, yes, don't try to impress people. Number 2, don't get into debate every while, into a argument, into a debate every time. And number 3, if you put lot of complaints, people are not going to come to you, or not going to connect with you more. Let's talk about the 5 things that you can do to connect more, connect genuinely. And agar abhi tak aapne subscribe nahi kiya, please go ahead and subscribe to impress the Google Baba. Let's talk about, so number 1, take a genuine interest and ask honest questions. You need to empathize with people. जब आप genuinely किसी में interest लेते हैं, अच्छा आप कहाँ से हो, अच्छा आप क्या करते हो, इससे क्या होता है, आप इस industry में हो, उसमें और क्या चल रहा है, जब आप genuinely question करते हो और genuine interest दिखाते हो, people love that. Don't you want somebody to listen to your story, listen to your whole life story, your whole journey? When you take a genuine interest, that makes you very likable to people. Number 2, be easy to talk to.
बी इजी टू बी अराउंड। बहुत सारे लोग होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ फूड, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ सिटिंग, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ स्टैंडिंग। जब आप ऐसे करते हो तो यू आर एक्चुअली मेकिंग अ डिस्टेंस विद अदर्स। सो द बेस्ट वे इज बी ईजी, यू डोंट हैव टू हैव द हाई स्टैंडर्ड ऑल द टाइम, राइट? सो बी ईजी टू बी अराउंड, दैट्स वेन पीपल विल कनेक्ट मोर एंड पीपल विल लव टू बी अराउंड यू, बिकॉज यू आर अ लो मेंटेनेंस गाय। यस, दिस है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रेस नहीं करना पड़ता है आपके पास आने के लिए, एंड दैट्स वेयर पीपल विल genuinely come close to you. Number three, and that is related to our ears and our mouth. Yes, talk less and listen more. There's a reason we have two ears and one mouth. If you just keep on talking and talking and talking, not listen to others, they will not feel heard. They will not feel connected to you. So always make sure that you are hearing more and saying less. You are asking people for their opinion, their journey, their background versus just telling them. आपके साथ ऐसा हुआ है? You went to a coach or consultant and they let you talk and talk and talk. And at the end of the talk, you felt like, wow, आज का कॉन्वर्जेशन तो बहुत ही अच्छा था, बट एक्चुअली 80% टॉक तो आपने ही किया था। एंड दैट इज वॉट पीपल वॉन्ट, पीपल वॉन्ट समबडी टू लिसन टू देयर स्टोरी, समबडी हु कैन रियली अंडरस्टैंड वॉट दे आर गोइंग थ्रू। सो दैट्स वाई बी ओपन टू लिसनिंग, स्पीक लेस एंड लिसन मोर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर फोर, इसको कहते हैं लुक फॉर कॉमन ग्राउंड। आप ऐसे निकालो कि सामने वाले और आपके में कॉमन क्या है, क्या आप भी सेम प्लेस से हो, क्या भी आप सेम सिटी से हो, क्या आप भी क्रिकेट खेलते हो, क्या आप भी आईटी से हो, क्या आप भी टोस्ट मास्टर जाते हो, क्या आप भी पब्लिक स्पीकर हो। वेन यू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, दैट्स वेन यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू टॉक अबाउट, एंड दैट मेक्स यू मोर लाइकेबल, बिकॉज पीपल लव टू कनेक्ट विद पीपल लाइक देम। अगर आप मानना चाहो नहीं मानना चाहो, दैट इज द ट्रूथ, इज पीपल love to connect with people like them। तो अगर आप और सामने वाले के बीच में कुछ कॉमन कनेक्शन निकल आ जाता है, टॉक मोर अबाउट दैट, टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री इफ योर सेम इंडस्ट्री, टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन योर सिटी इफ योर फ्रॉम द सेम सिटी, एंड दैट बिल्ड्स द कनेक्शन। सो नंबर फोर इज लुक फॉर कॉमन ग्राउंड। एंड नंबर फाइव, वेरी वेरी इफेक्टिव, एंड मे बी कई बार हम लोग अनजाने में इसको करते हैं, बट वेन यू नो दिस एंड वेन यू स्टार्ट अप्लाइंग, दिस कैन बी मैजिकल, एंड दैट इज कॉल्ड फॉलो अप from your previous conversation। जब आप किसी से दूसरी बार मिलते हो तो आप याद रखो कि पिछली बार क्या बात हुई थी। बोलो, ओ हाँ, हाउ इज योर डॉटर डूइंग, हैज शी गॉट एडमिशन, ओ हाउ इज योर फैमिली डूइंग नाउ, हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन, डिड द प्रोजेक्ट वेंट वेल, डिड यू गेट द न्यू क्लाइंट। जब आप फॉलो अप क्वेश्चन करते हो तो सामने वाले को लगता है कि येस, दैट पर्सन इज रियली जेन्युइनली concerned about me, and that's when they connect. So I hope you will make these changes in the way you connect with people. Repeat kar deta hu, number one is take a genuine interest and ask honest question. Number two, be very easy to talk to, be easy to be mingle around. Number three, listen more and talk less. Remember, two ears and one mouth. Number four is look for commonality between you and the other person, common ground, common interest. And number five, follow up from previous conversation. Agar aap ye sare steps follow karte hain, I am very sure your networking skills are going to go to the next level. So aap mujhe comment karke batayega ki aap isme se kaun sa tip aaj se hi apply karne wale ho. And agar abhi tak aapne subscribe nahi kiya hai, please don't forget to subscribe. And as I say every time, until next time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Coach Aritosh Srivastava. I'll see you in the next video.